हेलो एवरीवन दिस इज भारती आई एम योर मैथ्स टीचर आई एम बैक अगेन विथ न्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर टू सो चैप्टर टू ऑलरेडी स्टार्टेड होल नंबर इज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड एक्सरसाइज 2.1 पॉइंट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए और जाके चेकआउट कीजिए मैंने एक्सरसाइज टू पढ़ ली है देखिए अगर आप एक्सरसाइज टू पॉइंट वन चेक आउट करेंगे तो ही आपको एक्सरसाइज टू पॉइंट टू समझ में आएगी वरना बहुत सारे डाउट क्रिएट होंगे तो आप लोग फटाफट से जाके एक्सरसाइज पहले देखिए पे सीखिए होल नंबर क्या होते हैं उनका बेसिक्स क्या है इंट्रोडक्शन क्या है देन आप आगे बढ़िए इस एक्सरसाइज के साथ ठीक है तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं आज हम कवर करने वाले हैं होल नंबर की प्रॉपर्टीज होल नंबर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, डिविजन करना सीखते हैं और ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें करना हमें कितना सिंपल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ सो आज मैं फिर से बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ एक्साइटिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और एक्साइटिंग है हमारी क्लास आज की फिर से तो आप लोग इसको देखिए और सीखिए कि कैसे कैसे हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है ठीक है तो फटाफट पड़ से हम स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर ओके सो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर यहाँ पे हम देखते हैं एडिशन तो अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं दैट इज सेवन एंड एट अगर हम सेवन और एट का एडिशन करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है फिफ्टीन सो सेवन इज अवर होल नंबर एट इज ऑल्सो अवर होल नंबर

टेन सो so, यहाँ पे ये सारे जो हैं सिंगल सिंगल नंबर्स ये भी होल नंबर है और जो रिजल्ट आ रहा है ये भी होल नंबर है वो क्या रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं बताती हूं एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर हम पेयर ऑफ नंबर्स को सम करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो भी हमारा क्या होता है होल नंबर होता है दैट मीनस सम ऑफ होल नंबर्स याद रखना है ट्राई विदर इज द होल ठीक है आप अदर और भी पांच पेयर को ट्राई करके देखो आपको उसका भी रिजल्टेंट होल नंबर मिलेगा डिड यू फाइंड अ पेयर ऑफ होल नंबर हु इज नॉट अ होल नंबर आपने कभी देखा है कि होल नंबर होते हैं जिनका सम जो पेयर ऑफ होल नंबर होते हैं उनका सम होल नंबर नहीं होता ऐसा देखा है अगर देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम ऐसा होता है प्लीज क्योंकि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होता है सो द कलेक्शन ऑफ होल नंबर क्लोजर एडिशन और वी कैन से दैट कलेक्शन ऑफ होल नंबर क्लोज अंडर कंडीशन सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसको हम क्या कहेंगे ये है हमारी लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन गॉट माई पॉइंट इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन नाउ योर मल्टीप्लीकेशन बी लाइक दिस अगेन सेवन मल्टीप्लाई बाय एट दैट इज इक्वल्स टू फिफ्टी सिक्स देन इट इज ऑल्सो अ होल नंबर इट इज ऑल्सो अ होल नंबर सो रिजल्टेंट is also a whole number now 5 into 5 25 so this is also a whole number 0 into 15 that is equals to 0 it is also a whole number uh, 2 into 1 that is equals to 2 it is also a whole number 4 into 5 that is equals to 20 this is also a whole number so the multiplication of two whole numbers is also found to be a whole number again Kya dekha humne? एडिशन के जैसे अगर हम मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं तो उसका भी रिजल्टेंट हमारे लिए होल नंबर ही होगा वी से दैट द सिस्टम ऑफ होल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन सिमिलरली तो इसे भी हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन वॉट माई पॉइंट सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या क्या होती है हमारी होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन इट इज वेरी सिंपल कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या क्या होती है एडिशन की और मल्टीप्लीकेशन की जो कि अंडर सच अंडर सच कंडीशन वो क्लोज हो जाते हैं मतलब अंडर ही अंदर वो क्लोज हो जाते हैं दोनों में अंदर ही होल नंबर्स होते हैं और उनका जो रिजल्टेंट होता है वो भी एक होल नंबर होता है नेक्स्ट इज योर सब्सट्रैक्शन सी अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है ये होल नंबर है ये भी एक होल नंबर है और इस क्योंकि ये एक लार्जेस्ट होल नंबर है और एक ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू, बट दिसेस्ट होल नंबर बट दिस मस्ट बी लार्जेस्ट सो व्हेन स्मॉलेस्ट होल नंबर सो अ होल नंबर पॉइंट बी नोटेड नेक्स्ट

क्या कर रहे हैं क्लोज नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई और एडिशन में तो क्लोज हो जा रहे थे बट यहाँ पेडेड बाई फोर इक्वल्स टू एट डिवाइडेड बाय फोर दैट इज इक्वल्स टू टू इट इज होल नंबर नेक्स्ट फाइव डिवाइडेड बाय सेवन दैट इज इक्वल्स टू 5 divided by 7, that is equals to, जो भी इसका रिजल्टेंट है वो पॉइंट्स में होगा होल so, नंबर ये भी एक होल नंबर नहीं है 12 divided by 3, तो ये एक whole number है बट सिक्स डिवाइडेड बाय फाइव इज नॉट होल नंबर कंडीशन यहाँ पे भी वही है कि जब ये जो फर्स्ट नंबर है ये देखो यहाँ पे क्या है ये फर्स्ट नंबर बड़ा है और ये छोटा है इस कंडीशन में क्या हो रहा है इसका answer? Same आ रहा है और यहाँ पे क्या हो बिगेस्ट है ये 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 है 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 और ये smallest है। इस इस में में तो नहीं पे इसका जो resultant है, वो होल नंबर है बट अब क्या हो रहा है सिक्स तो बड़ा है और फाइव छोटा है तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है और जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता वो होल नंबर नहीं होता इस बात को आपको याद रखना है ठीक है सो डिवीजन बाय जीरो डिवीजन बाय नंबर मीन्स सब्सट्रैक्टिंग दैट नंबर रिपीटेडली लेट अस फाइंड एट डिवाइडेड बाय टू नाउ एट डिवाइडेड बाय टू सो जब हम एट को टू से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एट में टू को सब्सट्रैक्ट करेंगे जैसे हमने एट को टू से किया। डिविजन सो एट माइनस टू इज इक्वल टू इक्वल्स टू सिक्स नेक्स्ट अब यहाँ पे हमको क्या करना है हर बार टू को सब्सट्रैक्ट करना है सो नेक्स्ट टू सो सिक्स माइनस टू

8 divided by 2 is equals to 4. It is simple. Using this, find 24 divided by 8 and 16 divided by 4. So here I am erasing this. Next example is 24 divided by 8. So uh, 24 divided by 8. Ham is 24 minus 8. That is equals to 14 minus 8. 6 carry 1 16 it is 16 minus 8 is equals to 8 and 8 minus 8 equals to 0 so how many moves 1 2 and 3 how many moves 3 moves after how many moves we reach to 0 3 moves so answer will be your is 3 24 divided by 8 is equals to 3 now for 16 divided by 4 so what we are doing here 16 minus 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 is equals equals 12. 12 equals to to 8. 8 to 4 and 4 minus 4 equals to 0 कितने moves हुए 1 2 3 4 so यहाँ पे फिर से कितने मूव हो गए four your answer will be four 16 divided by 4 equals to 4 हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे four moves हो गए क्यों जीरो पे पहुँचने के लिए हमारे four मूव हो गए ना सो लेटस ट्राई टू डिडेड बाई जीरो ना टू माइनस जीरो इज इक्वल्स टू 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 माइनस जीरोस जीरो मतलब ये कि आप टू को टू में जीरो को कितनी भी बार माइनस कर लो कितनी भी बार सब्सट्रैक्ट कर लो बट योर रिजल्ट एंड विल बी सेम आंसर जो होगा वो टू ही होगा इन एवरी मूव वी गेट टू अगेन एंड अगेन एंड अगेन Will this ever stop? Hum isko ban nahi So we say 2 divided by 0 is not defined. Similarly if I am taking 1 divided by 0. So 1 minus 0, 1. 1 minus 0, 1. 1 minus 0, 1. In every move we get 1 again and again. So we say 1 divided by 0 is not defined. Next. लेटेस्ट ट्राई सेवन डिवाइडेड बाई जीरो अब एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि सेवन का अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है सेम सेवन माइनस जीरो इज इक्वल टू सेवन सेवन माइनस जीरो माइनस जीरो टू सेवन इन एवरी मूव वी गेट सेवन अगेन एंड अगेन वी नेवर गेट जीरो एट एनी सब्सट्रैक्शन वी सेवन डिवाइडेड बाई जीरो नॉट डिफाइंड चेक इट फॉर फाइव डिवाइडेड बाई जीरो सी

वॉट डू द फॉलोइंग नंबर लाइन सेज सी नंबर लाइन्स मैंने आपको लास्ट जो वीडियो है चैप्टर टू का एक्सरसाइज uh, 2.1 वहां पे मैंने आपको नंबर लाइन में सम कैसे करते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सारा सब कुछ मैंने आपको नंबर लाइन में बताया तो अगर आपको नंबर लाइन यहां पे देखनी तो यहाँ अब फिर से मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं बता सकती ना तो आप क्या कीजिए मेरी प्रीवियस क्लास में जाइए और लास्ट वीडियो चेकआउट कीजिए उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि नंबर लाइन क्या होती है नाउ एडिशन के लिए मैं आपको इसमें एक मल्टीप्लीकेशन के लिए एग्जाम्पल बताती हूँ सबसे पहले मैं इसको जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन जीरो वन टू थ्री Four, five, six एंड seven. Now, अगर मैं यहाँ पे थ्री प्लस टू और यहाँ पे टू प्लस थ्री को एड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है वो मैं देखती सो so, अब मुझे यहाँ पे थ्री प्लस टू करना है तो मुझे थ्री से टू मूव जाना होगा ये मेरा रिजल्टेंट होगा टू से मुझे थ्री मूव जाना होगा ये मेरा रिजल्टेंट होगा दोनों ही केस में जो भी मेरा रिजल्टेंट होगा वो फाइव ही होगा This is the condition of number line. Okay? Now, थ्री plus टू is equals to टू plus थ्री We can say that इसका मतलब ये है कि जो भी हम एडिशन कर रहे हैं उसमें अगर उनका ऑर्डर चेंज हो रहा है तो भी उनकी आंसर में चेंजेस नहीं आ रहे है. तो ये होती है हमारी कम्युनिटिव प्रॉपर्टी सिमिलर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी आ, देखो सिमिलरली फाइव प्लस थ्री इज सेम एज थ्री प्लस फाइव I will show you five plus three is same as three plus five. Now I am showing you one more example after changing pencil color. See five plus three and three plus five. So अब सबसे पहले तो मुझे number line को थोड़ा सा और increase करना होगा ये हो जाएगा एट और यहाँ पे भी मेरा हो जाएगा एट नाउ कलर ऑफ नंबर लाइन फाइव प्लस थ्री तो फाइव प्लस थ्री मतलब मुझे थ्री टाइम्स मूव करना होगा फाइव से तो ये हो जाएगा यहाँ और यहाँ पे मुझे थ्री प्लस फाइव करना है तो थ्री टाइम्स थ्री और फाइव मूव लेने होंगे तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी दोनों ही केस में मेरा जो रिजल्ट होगा वो होगा एट तो मैं कह सकती हूँ कि फाइव प्लस थ्री इज ओके नाउ दिस इज योर होमवर्क इज दिस भी दो होल नंबर एड करते हैं तो क्या ये सही है ये यू विल नॉट गेट एनी पेयर ऑफ होल नंबर फॉर विच दम इज डिफरेंट वेन दर ऑफ एडिशन इज चेंज दी अगर आप एडिशन का ऑर्डर चेंज करते हो तो आपको होल नंबर क्या मिलेगा सेम मिलेगा दोनों ही केस में इसलिए यू विल नॉट गेट एनी पेयर ऑफ होल नंबर फॉर विच द सम इज डिफरेंट ऐसा नहीं होगा यू कैन एड टू होल नंबर इन एनी ऑर्डर आप किसी भी दो होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में एड कर सकते हैं बट आंसर विल बी सेम आंसर विल बी योर होल नंबर

फोर इन टू फाइव डिफरेंट ऑर्डर बट अब आंसर विल बी सेम इन बोहोत केस आंसर तो सेम ही होगा ना दोनों ही केस में ऑर्डर चेंज करके तो देख लिया हमने इट इज ट्रू इट इज ट्रू फॉर नंबर थ्री एंड सिक्स फाइव एंड सेवन सी थ्री एंड सिक्स एंड थ्री आंसर विल बी योर एटीन नाउ फॉर फाइव एंड सेवन फॉर सेवन एंड फाइव आंसर विल बी योर सेम इन बोथ केसेसो यू कैन मल्टीप्लाई टू होल नंबर इन एनी ऑर्डर आप कम्यूटेटिव केस में क्या कर सकते हो किसी भी दो नंबर को होल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो ऑर्डर चेंज करके जैसे एडिशन में करते थे किसी भी दो होल नंबर को हम एडिशन कर सकते हैं उनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं ठीक है ठीके?

कि सब्सट्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है कि अगर मैंने सिक्स माइनस टू लिया तो यहाँ पे मेरा आंसर फोर होगा और ये एक होल नंबर होगा बट अगर मैं टू माइनस सिक्स लूंगी तो ये नॉट अ होल नंबर इट इज नॉट अ होल नंबर ठीक है सिमिलरली नाइन माइनस टू इज अ होल नंबर दैट इज सेवन बट टू माइनस नाइन इज नॉट अ होल नंबर ये मैंने अभी आपको बताया है, है ना ठीक है अभी बताया स्टार्टिंग में सो यूज एटलीस्ट थ्री डिफरेंट पेयर हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेयर को यूज करके देख लिया कि सब्सट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता सिमिलरली डिवीजन भी जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता इज सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री सेम एज थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स नो सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री क्या हो जाएगा टू हो जाएगा बट थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स टू होगा नहीं नहीं होगा सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होती है जस्टिफाई इट बाई टेकिंग फ्यू मोर कॉम्बिनेशन लाइकवाइज एट डिवाइडेड बाई टू एंड टू डिड बाई एट आंसर विल बी फोर बट आंसर विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईयर सो यहाँ पे भी डिविजन के भी केस में कम्युटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है समझ में आ रहा है आप लोगों को देखिए कितना इंटरेस्टिंग है सारी की सारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है बस आप लोगों को समझने की जरूरत है आप लोगों को अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना है तो ठीक है अब आपको क्या करना है नेक्स्ट नाउ एसोसिएटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन अब हम देखेंगे एसोसिएटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन क्या होता है एसोसिएटिव ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम इस डायग्राम की हेल्प से हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है टू प्लस थ्री इन ब्रैकेट प्लस फोर इज इक्वल ब्रैकेट एंड आंसर विल बी योर नाइन कहना यह चाह रहे हैं कि टू प्लस थ्री क्या होगा हमारा फाइव होगा और प्लस फोर यहां होगा और इसका आंसर होगा नाइन बी वाले केस में क्या होगा टू प्लस ब्रैकेट में थ्री प्लस फोर यहा तो यहाँ पे टू होगा यहाँ पे सेवन होगा थ्री प्लस फोर सेवन आंसर नहीं क्या हो रहा है यार यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं देन फोर को ऐड कर रहे हैं बट आंसर तो नहीं आ रहा है अब यहाँ पे हम पहले इनको ऐड कर रहे हैं फिर टू को ऐड कर रहे हैं तो आंसर तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है तो हो क्या रहा है यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर हम प्रायोरिटीज चेंज करते मीन्स हम अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से एडिशन करते हैं तो आंसर हमारा सेम ही होता है दोनों के केस में ठीक है इन ए एब यू कैन एड टू एंड थ्री फर्स्ट एंड देन देन टू सम इन केस यू कैन थ्री एंड फोर फर्स्ट देन टू बी सेम आर नॉट द रिजल्ट सेम सेम रिजल्ट इज सेम वी ऑल्सो थ्री इज इक्वल्स टू को को अगर मैंने किया 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 तो 12 आएगा, प्लस 3 किया तो 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 आएगा आएगा. अब यहां चेंज की. यहां पे पहले हमने 7 plus 3 कर दिया हो तो हो गया. Then 5 को किया तो 15 हो गया. सेम का सेम हो गया कुछ भी चेंज हुआ नहीं हुआ देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ फोर प्लस थ्री इन ब्रैकेट प्लस टू अब यहाँ पे क्या होगा सेवन प्लस टू आंसर विल बी योर नाइन अब यहाँ होगा फोर प्लस थ्री प्लस टू तो यहाँ हो जाएगा फोर प्लस फाइव ठीक है एंड आंसर विल बी योर नाइन तो दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ठीक है नाउ दिस इज एसोसिएटिव ऑफ एडिशन फॉर होल नंबर्स चेक इट फॉर नंबर टू एट सिक्स सी 2 plus 8 plus 6 equals to 2 plus 8 plus 6 is equals to 10 plus 6 equals to 16. Now, I am going to change the order 2 plus bracket 8 plus 6 is equals to 2. Well, let's add the 14. Now, This will 16. हमने करके देख लिया कि हमने 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 को pair of whole number को add किया और addition करके हमने इसका resultant निकाला आंसर तो सेम आ रहा है है ठीक भी चेंज की बट आंसर हमारा सेम आ रहा है दोनों ही कंडीशन में नोटिस हाउ वी ग्रुप द नंबर्स फॉर कन्वीनियंस ऑफ एडिंग आपने नोटिस किया कि हमने अपने कन्वीनियंस के लिए कैसे कैसे नंबर्स को ऐड किया और उसका रिजल्टेंट निकाल लिया ठीक है नाउ थिंक ऑन एंड फाइंड अब यहाँ पे आपको सोचना है और उसका रिजल्ट निकालना है विच इज इजियर एंड वाई अब आपको बताना है कि दोनों ही केस में कौन ज्यादा इजियर होगा और क्यों नाउ फॉर ए सिक्स इंटू फाइव इंटू थ्री और सिक्स इंटू फाइव इंटू थ्री अब इसमें से इजी मेथड कौन सी होगी तो अगर मैं सिक्स इंटू फाइव करती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा थर्टी फाइव इट इज़ मोर डिफिकल्ट इंटू थ्री तो ये हो जाएगा मेरा थर्टी फाइव इंटू थ्री क्या होगा बताओ फाइव थ्री जा आपका होगा फिफ्टीन थ्री थ्री जी नाइन वन टेन ये हो जाएगा वन जीरो फाइव ना अब नेक्स्ट केस में मैं पहले फाइव इंटू थ्री करूंगी तो ये हो जाएगा फिफ्टीन एंड सिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा सिक्स फाइव जा थर्टी यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है सॉरी थर्टी सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव देखो ये इसका आंसर क्या होगा मोर डिफिकल्ट है ना इसका आंसर होगा नाइन हंड्रेड अब नेक्स्ट केस में मैं देखती हूँ कि ये हो जाएगा नाइन इंटू फोर ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फाइव हमको सबको पता है कि ये तो हंड्रेड होता है यार और ये तो हो गया नाइन हंड्रेड अरे यार ये तो ज्यादा ईजी हो गया यहाँ पे हमने इसको जल्दी से मल्टीप्लाई किया ये हंड्रेड हो गया और इसमें मैंने नाइन मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर नाइन हंड्रेड आ गया बट यहाँ पे यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बट ये ज्यादा ईजी है तो हमने क्या किया यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन किया ठीक है तो हम ऐसा कर सकते हैं ठीक है नाउ एग्जाम्पल नंबर वन अब एग्जाम्पल वन में हमको दो मैथड से इसको सॉल्व करना है सो so, हमारी वेरी फर्स्ट मैथड होगी फोर्टीन प्लस सेवनटीन प्लस सिक्स अब आंसर क्या होगा मेरा फोर्टीन प्लस सेवनटीन प्लस सिक्स कितना होगा बताओ आप लोग सेवन और सिक्स कितना होगा सिक्स सिक्स ट्वेल्व वन थर्टीन का थ्री कैरी वन अभी हो जाएगा टू ट्वेंटी थ्री आंसर क्या हो जाएगा सेवन थर्टी सेवन अब हम इसका सेकेंड केस देखते हैं सेकेंड केस में क्या करूंगी मैं फोर्टीन प्लस सेवनटीन करूंगी प्लस यहाँ पे सिक्स कर लूंगी अब नेक्स्ट केस में मेरा कितना कितना होगा 7 प्लस 4 कितना होता है हमारा कैरी प्लस 6. तो मेरा आंसर पे क्या होगा थर्टी सेवन क्लियर हो गया आप लोगों को कि मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल को दो मैथड से किया ऐसे ही आप भी दो मैथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं नाउ ट्राई दिस अब मैं इसको ट्राई करती हूँ और ये आपका होमवर्क होगा जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या है ठीक है नाउ सेवन प्लस एटीन इन ब्रैकेट प्लस थर्टी सो इसका पहला तरीका ये है तो सेवन प्लस एटीन कितना होगा मेरा सेवन सेवन फोर्टीन वन फिफ्टीन का फाइव कैरी वन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ये प्लस थर्टीन तो ये हो जाएगा नाइन एट और ये हो जाएगा थर्टी एट ठीक है नाउ अब मैं इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ मतलब एक, ये एक तरीका हो गया एक दूसरा तरीका उसमें मैं यहाँ पे क्या करूंगी सेवन ब्रैकेट में लूंगी एटीन प्लस थर्टीन अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूं, इसको सम करती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा एट नाइन टेन इलेवन वन और वन और वन टू वन थ्री ये हो जाएगा थर्टी वन ये हो जाएगा सेवन तो आंसर विल बी योर क्या हो जाएगा थर्टी एट सो इन बोथ केसेस योर आंसर विल बी सेम ठीक है मतलब हम इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग केसेस यूज कर सकते हैं ठीक है अब ये वाला तो होमवर्क है ये आप लोगों को करना और मैं चेक करूंगी कमेंट सेक्शन में ठीक है नाउ एग्जाम्पल टू अब यहाँ पे हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई के डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स देखनी है तो वेरी फर्स्ट है हमारा ट्वेल्व इन थर्टी फाइव अब इसको मैं कैसे कर सकती हूँ तो सबसे पहले मुझे ट्वेल्व को ब्रेक करना होगा सो so, इसको मैं ले लेती हूँ सिक्स इंटू टिक्स इंटू टू इजिक्वल टू ट्वेल्व इंटू थर्टी फाइव अब ये ज्यादा इजी हो जाएगा ठीक है अब इसको मैं कैसे कर लूंगी सिक्स इंटू टू इंटू थर्टी फाइव ना अब सिक्स इंटू टू इंटू थर्टी फाइव कितना होता है फाइव टू सान फाइव थ्री ज फाइव टू जन जीरो मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया और फिर इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो ये कितना ईजी हो गया हमारे लिए हो गया ना इजी सो so, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं इसको एक और मैथड से आप कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ट्वेल्व है ठीक है अब थर्टी फाइव को ब्रेक कर लेते हैं तो थर्टी फाइव कैसे ब्रेक होगा सेवन फाइव ज थर्टी फाइव ठीक है अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ ट्वेल्व इंटू सेवन भी कर सकती हूँ इंटू फाइव भी कर सकती हूँ मैं चाहूँ तो यहाँ पे ट्वेल्व इंटू फाइव कर लूंगी इंटू यहाँ सेवन कर दूंगी तो ये हो जाएगा मेरा ट्वेल्व फाइव साफ सिक्सटी इंटू सेवन सेवन सिक्स फोर्टी टू जीरो देखो आगे तो दिस इज योर सेकेंड मेथड नाउ एक मल्टीप्लीकेशन ये भी है अब यहाँ पे हमको क्या करना है एट इंटू सेवेंटीन सिक्सटी नाइन इंटू वन ट्वेंटी फाइव अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा टफ अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे एट इंटू वन सेवन सिक्स नाइन इंटू वन ट्वेंटी फाइव इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एट इंटू वन ट्वेंटी फाइव ठीक है इंटू वन सेवन सिक्स नाइन नाउ ये होता है हमारा थाउजेंड इंटू वन सेवन सिक्स नाइन तो ये हो जाएगा वन सेवन सिक्स नाइन जीरो 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 इट विल बी योर आंसर सी कितना इजी हो गया ना अब यहाँ पे हमारे पास कुछ है जिनको हमें ट्राई करना है जिसमें हमारा वेरी फर्स्ट है ट्वेंटी फाइव इंटू एट थ्री फाइव एट सी दिस नंबर इस नंबर को देख के कितना डर लग रहा है ना कि अरे इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा कैसे टेबल याद करेंगे कैसे इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ वेरी इजी हम क्या करेंगे इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू फोर अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एट थ्री फाइव एट ये हो गया हमारा हंड्रेड ये हो गया हमारा एट थ्री फाइव एट अब कितना हो गया इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा एट थ्री फाइव एट जीरो हो गया अब ये वाला आप करोगे सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवन फाइव नाइन इंटू एट इसको आप सॉल्व करिए होमवर्क है आपका ये ठीक है और आंसर बताइए क्या आएगा नेक्स्ट थिंक डिस्कस एंड राइट आपको पहले सोचना है फिर डिस्कस करना है खुद से या अपने किसी फ्रेंड से एंड देन आपको लिखना है ठीक है तो अब हम देखते हैं इज सिक्स डिवाइडेड बाय फोर इज सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर डिवाइडेड बाय टू

4 डिवाइडेड बाय 2 2 हो जाएगा अब 16 डिवाइडेड बाय 2 8 नो आंसर विल बी डिफरेंट तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल फॉलो नहीं कर रहा है ठीक है सो so, थिंक 28 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या थिंक करना डिवाइड ही कर लो ठीक है चलो मैडम के साथ फटाफट डिवाइड करो और देखो कि क्या आंसर आता है अब मैडम यहाँ पे डिवाइड कर रही है वहां पे आप भी डिवीजन करो मे जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो तो देखते देखते आप भी डिवीजन किया करो क्लास को पॉज किया करो और आंसर देखा करो और मैच किया करो कि सही आंसर है कि नहीं ठीक है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप होगा सी हियर ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय फोर्टीन इसका आंसर होगा टू एंड डिवाइडेड बाय टू तो क्या हो जाएगा ये सी वन ठीक है अब नेक्स्ट में यहां पर डिवाइडेड बाई टू सेवन अब यहाँ क्या होगा सेवन फोर ट्वेंटी डिफरेंट आंसर डिफरेंट है सो so, आपको समझ आ गया होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिविजन का रूल फॉलो नहीं करती डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन देखो अब इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर लेंगे ठीक है अब इस ग्राफ पेपर में हमारे आ, एक काम करते हैं हम लोग हम लोग ये ग्राफ पेपर लाइन से बना लेते हैं ठीक है क्योंकि लाइन से बनाना हमारे लिए मोर इजी होगा ओके नाउ आई एम टेकिंग लाइन फ्रॉम हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग बॉक्स फ्रॉम हियर व्हिच इज ऑफ ब्लैक कलर नाउ आई मेक वन बॉक्स ओके अब एक लाइन ले लेते हैं हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अब हमको कितने बनाने हैं सिक्स इंटू एट ठीक है, uh, eight, है? तो ये हो जाएगा हमारा वन वन सेंटीमीटर के हम बना रहे हैं सिक्स इंटू एट थोड़ा सा मैडम से मिस्टेक हो सकती है बट ठीक है आप लोग इसको मत करना कुछ भी ये तो बोलोगे कि मैम यार आपने ये क्या कर दिया ऐसे थोड़ी ना होता है ऐसा नहीं बोलना मैम से हमें एट बनाने हैं ओके सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री थ्री ये फाइव ही हुए अभी हमको थ्री और बनाने हैं सपोज़ okay? ये मैंने वन वन सेवेंटी मीटर के बॉक्स बनाए सपोज डोंट टेक इट सीरियसली जस्ट सपोज योर सेल्फ ये तो बहुत बड़ा बन गया कोई बात ये ऐसे में हमारे हो गए अब हमको पेंसिल लेनी पड़ेगी ठीक है अब ये हो गए हमारे ठीक है ईच जो बॉक्स है समझ लो वो वन सेंटीमीटर का होगा क्लियर है अब हमें ये कितना हो गया हमारा सिक्स इंटू एट अब हमें क्या करना है इसको कट करना है हम इसको कट करेंगे तो हम कैसे कट करेंगे इसको हम सिक्स इंटू थ्री में कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखो मैं इसको कट करती हूं सपोज मैंने एक सीजर यहां से चलाई ठीक है तो ये कट हो गया यहाँ से कट 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 अब ये पूरा यहाँ से कट हो गया अब जैसे ही ये यहाँ से कट होगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा लाइन नहीं लेनी पड़ेगी लाइन से डिस्टर्ब नहीं होता ठीक है अब ये हो जाएगा कुछ ऐसा अब इसमें हो जाएंगे हमारे वन टू थ्री एंड फोर फाइव और ऐसे में कितने होंगे सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है अगेन एक और लाइन में ले रही हूँ ये होगी हमारी वन यहाँ पे हो जाएगा टू इसको मैं ये हो जाएगी मेरी वन और से हो जाएगा मेरी थ्री ठीक है नाउ आई एम टेकिंग वन टू थ्री ठीक है अब मैंने यहाँ पे क्या किया ये हो गया मेरे सिक्स uh, और ये हो गए मेरे फाइव क्लियर है और सिमिलरली नेक्स्ट वाले में यहाँ पे सिक्स एंड यहाँ पे थ्री तो एक हो गया मेरा सिक्स इंटू फाइव और एक हो गया मेरा सिक्स इंटू थ्री चलो अब हम देखते हैं इन ऑल हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर बोथ द पीसेस ठीक है बोथ केसेस में कितने पीसेस हैं वो हम देखते हैं तो इसमें हमारे कितने होंगे देखो पहले हमारा था सिक्स एट जा फोर्टी एट क्लियर है जब हमारे इंटू एट थे तो जब हमारे इंटू एट है उस केस में फोर्टी एट है बट जब सिक्स फाइव जा थर्टी और सिक्स थ्री जा एटीन ठीक है अब यहाँ पे हमारे क्या हो गए थोड़े से वो डिफरेंट uh, हो गए नाउ इस ऐसा है। क्यों? क्योंकि फोर्टी एट हो रहा है ठीक है सिक्स इंटू एट कितना हो रहा है हमारा फोर्टी एट हो रहा है और सिक्स फाइव जा हो रहा है थर्टी और सिक्स थ्री जा हो रहा है एटीन तो सम हमारा फोर्टी एट ही होगा तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज पॉसिबल बट सिक्स इंटू एट इक्वल्स टू सिक्स इंटू फाइव प्लस थ्री नो यस फाइव प्लस दैट सिक्स इंटू फाइव प्लस थ्री इक्वल्स टू सिक्स इंटू फाइव प्लस सिक्स इंटू थ्री ऐसा हो सकता है हम देख लेते हैं यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा फोर्टी एट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सिक्स फाइव थर्टी प्लस समझ में आया आपको कि कहना क्या चाह रहे हैं कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम इस टू का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करके इस टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो सेम होता है दिस मीन्स क्या हो जाएगा देखो थ्री प्लस फाइव कितना होता है हमारा एट तो टू एट uh, कितना हो जाएगा एटीन और यहाँ पे क्या होगा सिक्स प्लस टेन तो ये भी हो जाएगा हमारा टू uh, थ्री और ये हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा थ्री प्लस फाइव कितना होता है एट एट टू जिक्सटीन मैडम टेबल ठीक है तो आंसर विल बी योर सेम बोथ साइड नाउ दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ठीक है? फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव सेवन प्लस नाइन और सेवन इंटू इलेवन प्लस नाइन आपको ये इसको भी बनाना है तो मैं एक बताती हूँ ठीक है अगर मैं ये वाला केस लेती हूँ तो इस केस में ये हो जाएगा फोर इन फाइव और इधर हो जाएगा प्लस फोर इंटू एट ठीक है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कैसे कर सकते हैं सिक्स इंटू सेवन प्लस सिक्स इंटू नाइन अब इसे कैसे कर सकते हैं सेवन इंटू इलेवन प्लस ये हो जाएगा हमारा सेवन इंटू नाइन सो ये क्या होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन थिंक डिस्कस एंड राइट Observe the following multiplication and discuss whether we use the idea of distributive of multiplication over addition. Now, 425 into 136. So, your answer will be 2550. Now, 425 into 6. Now, I am showing you distributive of multiplication over addition. फोर ट्वेंटी फाइव इंटू वन थर्टी सिक्स ठीक है यहाँ पे इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने की मेथड क्या होती है पहले हम वंस की डिजिट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर टेंस की फिर हंड्रेड की तो सिमिलरली यहाँ पे वंस के डिजिट से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो टू फाइव फाइव ज़ीरो आंसर आएगा फिर थ्री से जब करेंगे तो आंसर आएगा वन टू सेवन फाइव जीरो फिर फोर से वन से करेंगे तो इतना आएगा और फिर इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा फाइव सेवन एट जीरो, जीरो। नाउ ये हमारा आंसर आ गया बट अगर हम देखते हैं कि 425 136 को अगर हम ब्रेक कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 136 अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये 136 हो जाएगा तो इसको अगर हम ऐसे ब्रेक कर लें तो ये हमारे लिए मोर सिंपलर हो जाएगा बहुत इजी हो जाएगा ठीक है तो हम ऐसा कर सकते हैं नाउ देखो इसलिए हमें क्या करना है ऐसे इस मेथड को यूज करने से अच्छा हम इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन नाउ एग्जाम्पल नंबर फोर द स्कूल कैंटीन चार्जेस रुपीज ट्वेंटी फॉर लंच एंड रुपीज फोर फॉर मिल्क फॉर ईच डे हाउ मच मनी Do you spend in फाइव days on these things? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जो स्कूल है स्कूल की जो कैंटीन है वो लंच के लिए ट्वेंटी रुपीज़ और मिल के लिए फोर रुपीज़ कर पे करवाती है तो हमको यहाँ बताना है कि हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन फाइव डेज ऑन दीज थिंग्स तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम करेंगे कि कैंटीन का चार्ज जो है वो वन डे का वो पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि फॉर लंच द अमाउंट ऑफ फाइव डेज और फॉर मिल्क द अमाउंट ऑफ फाइव डे कितना कितना हो जाएगा लंच का हो जाएगा हमारा ट्वेंटी इंटू फाइव दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा हंड्रेड और मिल्क uh, का कितना हो जाएगा हमारा फाइव इंटू फोर दैट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर फाइव सा ट्वेंटी अब हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा वन ट्वेंटी ठीक है यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई ठीक है रुपीज वन ट्वेंटी नाउ ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड अगर हम सेकेंड मेथड देखते हैं सेकेंड मेथड को हम दूसरे कलर से करेंगे अगर हम सेकेंड मेथड देखते हैं सी की तो हम क्या करेंगे पहले वन डे का टोटल अमाउंट निकाल लेंगे ठीक है तो वन डे टोटल अमाउंट वन डेज टोटल अमाउंट फॉर मिल्क एंड लंच कितना हो जाएगा हमारा वन डे का ट्वेंटी प्लस फोर दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ओके अब हम क्या करेंगे इस ट्वेंटी फोर को हम फाइव डे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हम फाइव डे का निकालने के लिए क्या करेंगे फाइव डे इन टू ट्वेंटी फोर तो ये हो जाएगा हमारा वन ट्वेंटी ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा वन ट्वेंटी रुपीज वन ट्वेंटी ये निकल के आ गई हमारी टोटल कॉस्ट ठीक है नाउ नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड ट्वेल्व इंटू थर्टी फाइव यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब हमको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है हमें सबसे पहले ट्वेल्व अब ट्वेल्व के बाद हम क्या करेंगे कि जो थर्टी फाइव है वो बड़ा नंबर है तो उसको हम ब्रेक कर लेंगे ठीक है तो थर्टी फाइव को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा ट्वेल्व इन थर्टी फाइव को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम कितना ईजी हो सकता है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सेवन फाइव सा थर्टी फाइव या फिर सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें ऐड करना है ठीक है तो यहां पे हम क्या करेंगे इसको ऐड करने थर्टी प्लस फाइव ओके अब यहाँ क्या होगा थर्टी प्लस फाइव है तो इसको हम कैसे करेंगे टू इंटू यहाँ पे हो जाएगा ट्वेल्व इंटू थर्टी प्लस ट्वेल्व इंटू फाइव तो वॉट इज योर आंसर ट्वेल्व जीरो ट्वेल्व थ्री जटी सिक्स नाउ ट्वेल्व फाइव सा सिक्सटी तो योर आंसर विल बी फोर ट्वेंटी ठीक है नाउ नेक्स्ट सिंप्लीफाई दीज इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वॉट इज़ द सिंपल वे अब सिंपल वे क्या है देखो यहाँ पे 126 दोनों में कॉमन है तो हम 126 पहले बाहर निकालेंगे उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 55 फाइव प्लस फोर्टी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 55 फाइव प्लस फोर्टी ये हो जाएगा हमारा 100। नाउ 126 ट्वेंटी सिक्स कितना हो जाएगा दिस इज योर फाइनल आंसर ठीक है नेक्स्ट ट्राई दिस इनको आपको ट्राई करना है ठीक है तो आप इनको ट्राई कीजिएगा दिस इज योर होमवर्क आई एम गिविंग यू होमवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ठीक है देखो बहुत सिंपल है यहाँ पे आपको पहले जैसे मैंने बताया था वैसे करना है उसमें आपको क्या करना होगा फिफ्टीन और 6, इसको देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ पहले वाले का यहाँ पे आपको क्या करना है इसको सिंपल कर दो सिक्सटी प्लस एट ठीक है तो ये हो जाएगा तुम्हारा फिफ्टीन इंटू सिक्सटी प्लस फिफ्टीन इंटू एट ओके एंड फॉर नेक्स्ट सेवेंटीन इंटू ट्वेंटी थ्री तो अब यहाँ पे आप इसको कर सकते हो सेवेंटीन इंटू ट्वेंटी प्लस थ्री ये कैसे हो जाएगा 17 इंटू ट्वेंटी प्लस सेवनटीन इंटू थ्री आप इसको इस तरीके से कर सकते हो नौ फॉर दिस वन यहाँ पे ये मैंने अभी जो करवाया पीछे वैसे ही करना है यहाँ पे आपको क्या करना है इसमें सिक्सटी नाइन को आप कॉमन ले लोगे ये हो जाएगा आपका सेवेंटी एट प्लस ट्वेंटी टू बस इसको सॉल्व कर लो ठीक है तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू नाउ आइडेंटिफाई फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आपको क्या करना है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिफाई करना है सो so, अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमें आइडेंटिटी बताना है अगर आप सेवन के साथ जीरो का ऐड करते हो जीरो जो है यहाँ पे एक स्पेशल रोल प्ले कर रहा है ठीक है क्योंकि ज़ीरो एक होल नंबर है तो अगर आप होल नंबर को जीरो को सेवन के साथ ऐड कर रहे हो तो आंसर विल बी योर सेवन सिमिलरली अगर फाइव को आप ज़ीरो के साथ ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपका आंसर फाइव आएगा जीरो के साथ अगर फिफ्टीन को ऐड करोगे तो फिफ्टीन आएगा जीरो के साथ ट्वेंटी सिक्स करोगे तो ट्वेंटी सिक्स जीरो के साथ सेवेंटी सिक्स करोगे तो आंसर विल बी ऑर सेवेंटी सिक्स इसका मतलब ये है कि जीरो एक स्पेशल रोल प्ले कर रहा है जीरो को बाद में या पहले कहीं पर भी अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये एक आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है क्यों क्योंकि जो रिजल्ट आपका सेम आएगा एज इट इज आएगा ठीक है तो वैन यू एड जीरो टू एनी होल नंबर वॉट इज द रिजल्ट रिजल्ट विल बी सेम ओके, okay? सो so, अब हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट हमको सुटेबल रीअरेंजमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या करना है सम करना है तो हम देखते हैं ए है ना अब ए के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे जो तीनों नंबर्स हैं ठीक है थीके? जैसे सपोज यहाँ पे हमारा एट थर्टी सेवन है अगर यहाँ पे मैं थ्री सिक्सटी थ्री को पहले ऐड करती हूँ प्लस टू जीरो एट तो ये मोर कन्वीनियंट हो जाएगा क्यों क्योंकि ये हो जाएगा हमारा जीरो जीरो नाइन टेन इलेवन और वन ट्वेल्व ठीक है प्लस टू जीरो एट अब ये ज्यादा इजी हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वन फोर जीरो एट इट इज मोर इजी ओके सो इन नेक्स्ट केस यहाँ पे हम क्या करेंगे सेकेंड वाले में बी वाले में हम क्या करेंगे वन नाइन सिक्स टू के साथ किसको ऐड करेंगे वन फाइव थ्री एट ऐसा क्यों करेंगे देखो आपको क्वेश्चन को देख के समझना होगा कि ऐसा हम क्या ऐड करें जिससे हमारा जो एडिशन है वो सिंपल हो जाए देखो इन दोनों को जैसे ही मैं ऐड करती हूँ तो क्या हो जाएगा जीरो जीरो नाइन और फाइव होता है हमारा फोर्टीन और वन फिफ्टीन का फाइव कैरी वन थर्टी फाइव ठीक है और यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो जीरो फोर और सिक्स भी हमारा टेन होता है तो हमको प्रोडक्ट निकालना है सुटेबल रीअरेंजमेंट के हिसाब से तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे सबसे पहले टू इंटू टू इंटू फिफ्टी ले लेंगे तो टू इंटू फिफ्टी लेने से क्या हो जाएगा जैसे ही हम टू के साथ फिफ्टी का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वन सेवन सिक्स एट ये हो जाएगा टू फिफ टू इंटू फिफ्टी हंड्रेड इंटू वन सेवन सिक्स एट सो योर आंसर विल बी वन सेवन सिक्स एट ज़ीरो ज़ीरो इन नेक्स्ट केस अब बी में हम क्या करेंगे फोर इंटू ट्वेंटी फाइव पहले ले लेंगे दैन वन सिक्सटी सिक्स तो ये हो जाएगा हमारा हंड्रेड इंटू वन सिक्सटी सिक्स तो आंसर विल बी योर वन सिक्स ज़ीरो ज़ीरो अब ये आपका होमवर्क है ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसमें से हम पहले देख लेंगे कि हमारा कौन सा मोर इजीयर है और कौन सा मोर मतलब नंबर में हम कौन सा मल्टीप्लिकेशन पहले लें जो हमारा ज्यादा इजी पड़े सो इन केस ऑफ डी व्हाट वी आर डूइंग हियर 625 इनटू अब 625 into 16 पहले ले लेंगे क्यों देखो ये हो जाएगा सिक्स तो ट्वेंटी ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमारा हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक ऐसे मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन ज्यादा होंगे ठीक है ऐसा हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टाइम्स होगा इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हमें कैसा मल्टीप्लाई के लिए कौन सा नंबर पहले चूज करना तो क्या करना है ई में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ज़्यादा इजी दिख रहा है तो हम टू फाइव को एज इट इज ले लेंगे मल्टीप्लाई सिक्स फाइव 30 थर्टी तो ये हो जाएगा हमारा थ्री हंड्रेड अब ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा देखें टू एटी फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करें थ्री फाइव 15 फिफ्टीन कैरी वन थ्री एट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव थ्री टू जी सिक्स सेवन एट एट फाइव फाइव ये हो जाएगा एट फाइव फाइव जीरो जीरो दिस इज योर फाइनल आंसर ठीक है और ये f जो है आपका अगेन होमवर्क में है नाउ नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है देखो ये कॉमन है और ये कॉमन है जब ये दोनों कॉमन है तो हम इनको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 297 कॉमन 17 3 तो ये हो गया हमारा 20 अब तो हमको क्या करना है सिंपल है टू से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोन टूजा फोर्टीन नाइन एटीन और वन नाइन क्या फोर वन फाइव यहाँ पे हो गया जीरो पे भी देखो फाइव फोर टू सेमन अगेन अब ये हो गया हमारा ये हो गया हंड्रेड नाउ मल्टीप्लीकेशन विल बी मोर इजियर ऐसे केसेस में ठीक है तो दिस इज योर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फोर सी अब यहाँ पे भी बहुत इजी है एट वन टू सिक्स फाइव अब यहाँ क्या करना है वन सिक्सटी नाइन माइनस सिक्सटी नाइन सो यहाँ हो जाएगा आपका हंड्रेड ओके okay? अब ये हो जाएगा आपका एट वन टू सिक्स फाइव जीरो जीरो अगेन दिस बिकम्स वेरी इजी अब नेक्स्ट जो डी वाला है ये आपका होमवर्क है इसको आप होमवर्क में कर लेना ठीक है आपको इस तरीके से देखना है कि कॉमन क्या है और कॉमन निकाल के फिर आपको उसको सॉर्ट आउट करना है फोर्थ क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्ट अब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेवन थर्टी एट अब यहाँ पे हम करेंगे सेवन थर्टी एट मल्टीप्लाई इसको कर देंगे हम हंड्रेड प्लस थ्री तो ये हो जाएगा सेवन थर्टी एट हंड्रेड फिर प्लस सेवन थर्टी एट इंटू थ्री तो ये हो जाएगा हमारा सेवन थर्टी एट जीरो और ये हो जाएगा हमारा 2, 2, 1, अब इसको हम एड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फोर वन जीरो सिक्स सेवन दिस इज योर फाइनल आंसर नाउ अब यहां पे भी क्या होगा टू फिफ्टी एट मैं आपको सिंपलर कर देती हूँ आप इसको सॉल्व कर लेना ठीक है अब ये हो जाएगा हमारा टू फिफ्टी एट इंटू वन थाउजेंड प्लस टू फिफ्टी एट इंटू एट ठीक है अब आप इसको सॉल्व कर लो टू फिफ्टी एट थ्री टाइम ज़ीरो प्लस अब इसको एट से मल्टीप्लाई कर लो जो भी आपका यहाँ आंसर होगा उसको ऐड करके आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकाल दो कमेंट सेक्शन में बताओ मैम इसका फाइनल आंसर ये है ना अब आपका जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी आपको ऐसे ही करना है ठीक है अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे बी जो मैंने छोड़ दिया मैं बी क्वेश्चन आपको करके बता देती हूँ ठीक है ताकि आपको ये ना लगे कि मैम ने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा है ना ये हो जाएगा एट फिफ्टी फोर इन टू हो जाएगा हंड्रेड प्लस टू तो ये हो जाएगा आपका एट फिफ्टी फोर हंड्रेड और यहाँ होगा प्लस एट फिफ्टी फोर इंटू टू तो ये हो जाएगा आपका एट्टी फाइव हंड्रेड यहाँ पे हो जाएगा फोर टू जट फाइव टू ज टेन एट टू जिक्सटीन वन सो योर आंसर विल बी एट जीरो सेवन एंड फाइव फाइव सेवन कितना होता है ट्वेल्व कैरी वन तो ये हो जाएगा आपका एट वन नाइन वन टेन दिस इज योर फाइनल आंसर नाउ समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है नाउ नेक्स्ट दिस इज योर वर्ड प्रॉब्लम अब हमको इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से यहाँ पे हमें इसको समझना है ओके सी अब यहाँ पे कह रहे हैं अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ फोर्टी लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ फिफ्टी लीटर ऑफ पेट्रोल इफ पेट्रोल कॉस्ट फोर्टी फोर पर लीटर हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल पेट्रोल सो so, हमको क्या निकालना है सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो पेट्रोल टैंक में फोर्टी लीटर पेट्रोल मंडे को भरवाता है देन नेक्स्ट डे फिफ्टी लीटर भरवाएगा फिर क्या होगा इफ द पेट्रोल की कॉस्ट अगर पेट्रोल की कॉस्ट कौ, अगर फोर्टी फोर रुपीज पर लीटर है तो हमको बताना है कि हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल पेट्रोल तो हम निकालेंगे कि आ, इसने मंडे को कितना पेट्रोल भरवाया तो मंडे ही फिल्ड पेट्रोल फोर्टी लीटर ओके ऑन नेक्स्ट डे मतलब ट्यूजडे ट्यूजडे ही फिल्ड पेट्रोल कितना हो जाएगा फिफ्टी लीटर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर कितनी होगी पेट्रोल की कॉस्ट पर लीटर फोर्टी फोर ठीक है ये पेट्रोल की कॉस्ट कौ होगी पर लीटर की तो अब हमें क्या करना है इसकी इक्वेशन बनानी है. कैसे बनेगी ये हो जाएगा फोर्टी एट क्योंकि हमको सबके साथ फोर्टी फोर का मल्टीप्लाई करना है प्लस हमको टोटल निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा फिफ्टी इंटू फोर्टी फोर अब ये आ गया आपका अब यहाँ पे आपको क्या करना है फोर्टी फोर दोनों साइड है इसको हम कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा फिफ्टी प्लस फोर्टी ठीक है तो ये हो जाएगा फोर्टी फोर ये हो जाएगा हमारा नाइन्टी अब आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है तो कितना हो जाएगा फोर्टी फोर इंटू नाइन नाइन फोर जो थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन ये हो जाएगा तो कॉस्ट हमारे पेट्रोल की निकल के आएगी थ्री नाइन सिक्स जीरो ठीक है तो ये आंसर क्या आ गया हमारा रुपीज थ्री नाइन सिक्स जीरो इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन अब और वेंडर सप्लाई थर्टी टू लीटर ऑफ मिल्क टू ए होटल इन मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में वेंडर ने क्या किया थर्टी टू लीटर मिल्क सप्लाई किया ठीक है और सिक्सटी एट लीटर ऑफ मिल्क इन इवनिंग इवनिंग में वेंडर ने क्या किया अगेन सिक्सटी एट लीटर मिल्क सप्लाई किया ठीक है इफ द मिल्क कॉस्ट इज फोर्टी फाइव पर लीटर अगर कॉस्ट ऑफ मिल्क कितनी है फोर्टी फाइव पर लीटर मिल्की कॉस्ट है ठीक है तो हम हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी 32 into 45 प्लस हमको क्या निकालना है हाउ मच मनी इज ड्यू टू वेंडर पर डे एक दिन मनी एक दिन की मनी हमको निकालनी है पर डे के हिसाब से है ना कि कितनी होगी और यहाँ पे हो जाएगा 68 into 45 अब इक्वेशन कैसे बनेगी 45 कॉमन ले लेंगे हम फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्टी टू प्लस सिक्सटी एट ठीक है अब मैं यहाँ पे कर रही हूं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फोर्टी फाइव इंटू ये हो जाएगा टेन सिक्स थ्री नाइन वन टेन ये हो गया तो ये हो गया फोर्टी फाइव हंड्रेड इतनी हमारी एक दिन की कॉस्ट निकल के आएगी ठीक है क्लियर है अब आपको क्या करना है इसको एक बार और समझो और क्लियर करो ठीक है और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवन मैच द फॉलोइंग फोर ट्वेंटी इंटू वन थर्टी सिक्स इज इक्वल्स टू अब हमको मैच करना है ठीक है इज इक्वल टू फोर ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स प्लस थर्टी प्लस हंड्रेड सो अब देखो ये है फोर ट्वेंटी फाइव इंटू वन थर्टी सिक्स इक्वल टू फोर ट्वेंटी फाइव अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमको बतानी है ठीक है तो ए ये है बी ये है और सी ये है तो वन है हमारा वन का आंसर होगा हमारा क्योंकि अब इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है पहले मल्टीप्लाई हो रहा है बट एडिशन भी है तो ये क्या इसको हम क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा सी ठीक है अब सेकेंड सेकेंड है हमारा टू इंटू फोर्टी नाइन इंटू फिफ्टी ओके सो योर इक्वल्स टू टू इंटू फिफ्टी इंटू फोर्टी नाइन अब ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है ये है कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है सीक्वेंस चेंज हो रहा है ठीक है तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड का बी और थर्ड हमारा कौन सा होगा एटी प्लस टू जीरो जीरो फाइव प्लस ट्वेंटी इक्वल्स टू एटी प्लस ट्वेंटी टू जीरो हो जाएगी हमारी कम्यूटेटिव अंडर एडिशन ठीक है ये हो जाएगा हमारा एक सेकेंड थर्ड का हो जाएगा हमारा बी सेकेंड का होगा ए ठीक है नाउ दिस इज योर राइट आंसर फॉर द डे सो थैंक यू सो मच आपको क्या करना है आप रिवाइज करना है होमवर्क करना है जितने मैम ने आपको होमवर्क दिए हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है उनके आंसर्स करना है ठीक है सो थैंक यू फॉर द डे ओके बाय